नमस्कार, इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने इंजीनियरिंग की है और आप सरकारी क्षेत्र में यानी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब पाना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। जी हाँ, इंस्पिरेशनल गुरुजी आज आपके लिए एक जॉब का नोटिफिकेशन लेकर आए हैं जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि वीडियो नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, रिक्रूटमेंट ब्रांच भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL, उन्होंने 11/12/2018 डेटेड एक नोटिफिकेशन जारी किया है, रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी टेलीकॉम ऑपरेशन इन BSNL फ्रॉम एक्सटर्नल कैंडिडेट। तो बाहरी अभ्यर्थियों द्वारा टेलीकॉम ऑपरेशन में मैनेजमेंट ट्रेनी की रिक्रूटमेंट है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 26/12/2018 से शुरू होगी, लास्ट डेट 26 जनवरी 2019, और जो ऑनलाइन असेसमेंट प्रोसेस फॉर्म है वो होगा आपका 17 मार्च 2019 से। तो सबसे पहले इंस्पिरेशनल गुरुजी लेकर आए हैं आपके लिए एक्सक्लूसिवली ये खबर भारत संचार निगम लिमिटेड की साइट से। तो चलिए पढ़ लेते हैं पूरी प्रोसेस के बारे में। भारत संचार निगम लिमिटेड 300 पोस्ट में मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पूरी करने जा रहा है। 300 में से 150 पोस्ट वो एक्सटर्नल कैंडिडेट से पूरी करेगा, यानी 150 पोस्टें वो 300 में से 150 पोस्ट्स वो प्रमोशन के थ्रू इंटरनल प्रोसेस से पूरी करना है करेगा। तो 150 के लिए उन्होंने रिक्रूटमेंट नोटिस निकाला है। इसमें उन्होंने साथ में नोट दिया है कि दिस इज ए फ्रेश रिक्रूटमेंट, एनी कैंडिडेट वुड हैड अप्लाइड इन रिस्पांस टू एनी प्रीवियस नोटिफिकेशन नीड टू अप्लाई फ्रेश। यानी ये नया नोटिफिकेशन है और अगर किसी ने कभी भी पहले अप्लाई किया था तो उनको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। पहले बता देता हूं आपको कैटेगरी वाइज कितनी पोस्टें निकली है। तो स्ट्रीम OC के लिए 76, SC कैंडिडेट के लिए 23, ST के लिए 11, OBC के लिए 40, तो टोटल 150, डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग के लिए 3, लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग सेरेब्रल पेल्सी, लेप्रोसी क्योर्ड, ड्वार्फिसम, एसिड अटैक विक्टिम्स एंड मस्कुलर डिस्ट्रोफी, उनके लिए 3 पोस्टें हैं। तो टोटल 156 ये टोटल पोस्ट है। तो चलिए उसके बाद में रिजर्वेशन जो रहेगा आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग रहेगा। फिर आपको जो इसके लिए मेन पर्पस है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी सैलरी की हम बात कर लेते हैं कि आपको सैलरी मिनिमम आपको 50,000 रुपीज़ मिलने जा रहे हैं और सिर्फ इंडियन नेशनलिटी के लोग ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी हम बताएंगे, लेकिन एज के लिए कैंडिडेट सेल नोट एक्सीड 30 ईयर एज ऑन 1 अगस्त 2000 ऑफ ईयर ऑफ एग्जामिनेशन 2019 में तक वो 29 साल क्रॉस ना किया हो। द अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल एज पर द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। 5 साल की छूट SC ST OBC के लिए 3 और PWD के OC कैंडिडेट्स के लिए 10। ठीक है, तो ये आपकी पूरी प्रोसेस है। नीचे और भी दे रखे हैं, भारत संचार निगम लिमिटेड की एक बड़ी भर्ती की खबर आपके सामने लेकर आए हैं इंस्पिरेशनल गुरुजी। और यहाँ पर इन्होंने असेसमेंट सिलेबस और असेसमेंट प्रोसेस भी दे रखा है। तो आपको ये सारा प्रोसेस अगर आपको चाहिए तो आप इंस्पिरेशनल गुरुजी चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक से ये PDF सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप अपना सिलेबस और वो चेक कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में देख लीजिए, आपके 3 सेक्शन होंगे, कंपोनेंट 3 सेक्शन है, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड, कॉग्निटिव एबिलिटी और टेक्निकल नॉलेज। 150 ईच के मार्क्स होंगे, 450 टोटल मार्क्स होंगे और आपका जो एग्जाम का टाइम रहेगा 3 आवर रहेगा, 10 से 1 बजे के बीच में। मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जो मिनिमम एप्टीट्यूड लेवल का है यानी ईच सेक्शन इन्होंने क्वालिफाई करना जरूरी बता रखा है सभी के लिए। तो सेक्शन वाइज मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% जनरल कैंडिडेट्स के लिए, 36 OBC कैंडिडेट के लिए और 33 SC कैंडिडेट के लिए रहने वाले हैं। तो ये भी एक अच्छा उन्होंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है। और उसके बाद में जो आपके लिए महत्वपूर्ण बात है उसमें से ढूंढ के लेके आता हूँ, लेकिन उससे पहले भी बता दूँ कि अच्छा खासा एक सैलरी पैकेज पे आपको रखा जाएगा। अब फीस जो वो चार्ज कर रहे हैं, प्रिस्क्राइब्ड एग्जामिनेशन 2200 रुपये 2200 और OC OBC कैंडिडेट्स के लिए 2200 रुपये है और SC ST कैंडिडेट्स के लिए 1100 रुपये अप्लाई करने पड़ेंगे। तो काफ़ी बड़ी अमाउंट पे करनी पड़ेगी आपको एग्जामिनेशन फिल करने के लिए। ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म की फीस 2200 और 1100 है। इंटरनेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड से आप इसको फिल कर सकते हैं। और उसमें जो आपको और देर का है आपके बारे में जो चीज़ें क्वालिफिकेशन, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट्स ऑफ BSNL मैनेजमेंट ट्रेनिंग एग्जाम टेलीकॉम ऑपरेशन, देखिए दोस्तों, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी डिग्री और इक्विवेलेंट इंजीनियरिंग डिग्री इन टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, IT एंड इलेक्ट्रिकल विद मिनिमम 60% मार्क्स होंगे OC और OBC के लिए, जबकि 55% मार्क SC और ST कैंडिडेट्स के लिए होंगे, एंड शुड हैव कंप्लीटेड द कोर्स ऑन ए रेगुलर फुल टाइम बेसिस ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड रेप्यूटेड इंडियन इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड अंडर इंडियन लॉ।
तो जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है यानी 26 जनवरी 2019 तक उनकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। ये नीचे दे रखा है प्लस एमबीए और एमटेक ऑन ए रेगुलर फुल टाइम बेसिस ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एमबीए या एमटेक। नेक्स्ट चलते हैं आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उन्होंने क्या मांगी है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एंड सिलेबस ऑफ असेसमेंट जो मैंने आपको पहले बता दिया था, और यहाँ पर आपका पूरा डिटेल सिलेबस इन्होंने दे रखा है, टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। अब इन्होंने एग्जामिनेशन सेंटर भी दे रखे हैं। तो एक अच्छी खबर बीएसएनएल की तरफ से अभ्यर्थियों के लिए, इंजीनियरिंग के अभ्यर्थियों के लिए विशेषकर, वो अप्लाई कर सकते हैं और अभी से तैयारी में लग जाइए। ऑनलाइन फॉर्म आपके 26 जनवरी से स्टार्ट होंगे, तो उससे पहले मैं ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है उसका ट्यूटोरियल भी लेकर आऊँगा। तो तब तक बने रहे हमारे इंस्पिरेशन गुरुजी यूट्यूब चैनल के साथ। आपका दिन शुभ हो।